हेलो दोस्तों, आप सबका आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। और आज इस वीडियो में आज हम आप सबको ईमो में कोई भी मोबाइल नंबर हम किस तरह से चेंज करेंगे उसके बारे में आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन और जानकारी देने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और समझें तो आप लोग को भी ये बहुत ही आसान है कि ईमो में कोई भी मोबाइल नंबर हम किस तरह से चेंज करें, यानी कि नया मोबाइल नंबर हम किस तरह से चेंज करेंगे हम अपने ईमो में। इसके लिए आइए तो हम वीडियो को आगे करते हैं। और आप लोग से गुजारिश है कि पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले ईमो को हम ओपन करते हैं। ईमो ओपन करने के बाद इस तरह से हमारा मोबाइल और जो स्क्रीन है ईमो का कॉन्टैक्ट का वो आएगा। उसमें सबसे नीचे जो आप प्लस का चिन्ह देख रहे हैं प्लस, उस पर क्लिक करना है। जो सबसे साइट में वो प्लस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से आएगा, जो सबसे नीचे थ्री लाइन के बाद लिखा हुआ है मोर, वो मोर पर क्लिक करना है। ये देखिए दोस्तों, मोर पर क्लिक करने के बाद इस तरह से हमारा ईमो का जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल आएगा। उस पर हमको फर्स्ट को छोड़कर सेकंड में जो सेटिंग लिखा हुआ है वो सेटिंग पर क्लिक करने के बाद इस तरह से अभी आया। और इसमें जो लास्ट के छोड़कर सेकंड लास्ट पर है ना, अकाउंट एंड सिक्योरिटी, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आएगा, जो फर्स्ट में है चेंज मोबाइल नंबर, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से आपके स्क्रीन पर आएगा, जो नीचे में ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है चेंज नंबर, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आएगा, जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका जो पुराना नंबर जो ईमो में है वो नंबर टाइप करना है। और दूसरा लास्ट में सेकेंड वाला में जो नया नंबर हम जो नंबर चेंज करना चाहते हैं ईमो का, वो नंबर टाइप करना है। जो अभी मैं कर रहा हूँ, देखिए फर्स्ट में मेरा वो नंबर है, सेकंड में ये दूसरा नंबर मैं टाइप कर रहा हूँ। ये नंबर टाइप करने के बाद आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इजी और बहुत ही आसानी है, आप लोग कर सकते हैं। इससे पहले कि आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें और समझें, कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आपको एक वेरीफाई कोड जो आपके सिम के थ्रू आएगा, वो चार अंक का रहेगा, फोर डिजिट का जो वेरीफाई कोड होता है वो कोड आपको यहाँ टाइप कर कर रखना है, ठीक है ना। जो अभी वेटिंग में है, अभी आ रहा है, जब आ जाएगा तो मैं आपको वो भी कर कर दिखला रहा हूँ। जो वेरीफाई कोड है वो मैं इधर टाइप करूँगा, उसके बाद अभी देखिए ये मेरा वेरीफाई कोड है जो अभी मैं टाइप कर रहा हूँ। ये वेरीफाई कोड टाइप होने के बाद, सर्च होने के बाद ऑटोमेटिक आपका नंबर चेंज हो जाएगा। और इस तरह से आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टेक्ट में ईमो चला रहा है, यानी कि जो भी कॉन्टेक्ट है जो ईमो से जुड़ा हुआ है, ऑटोमेटिक आपके इस नए नंबर के ईमो में सेव होगा। इस तरह से दिख रहे हैं दोस्तों, इस तरह से सेव हो जाएगा। उसके बाद ओके में क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन और आएगा, जो लास्ट ऑप्शन है, उसमें ब्लू कलर में जो है ट्रिक लगा हुआ, उस पर आपको क्लिक करना है। इस तरह से आप ईमो में कोई भी नंबर चेंज कर सकते हैं, जो अभी मैंने चेंज कर कर आप लोग को दिखलाया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर ही कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉच।